गाइस, मैं भी तो वो शीश मांगती है। लेकिन ये भी बहुत बड़े आ गए हैं। बेबी नेल क्रीम अनबॉक्स करेंगे अपने सारे पार्सल जो आज सारा दिन में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी जो है मैं हॉस्पिटल से सीधी आ गई थी अम्मी के घर, क्योंकि यहाँ मुझे आकर सादिया का वेलकम भी करना है घर पे। तो उस वेलकम के लिए मुझे थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है छोटी मोटी सी घर को। सादिया से पहले मैं आ गई थी, तो अब जो है लगते हैं जल्दी जल्दी से प्रिपरेशन में। और आने के बाद जो सबसे पहले मैं फ्रेश हूँ, काफी थक गई थी सुबह ही उठ के। आप सबके साथ मैंने शेयर किया था सुबह से जो उठी, उसके बाद फिर मैं जॉब पे गई, फिर वहीं से हॉस्पिटल, और अब हॉस्पिटल से घर। और अब जो है सारा डेकोरेट करना है। और यहाँ मैंने अफान को बिठा दिया है काम पर, मैंने कहा तुम बैठ के बलून जल्दी जल्दी से ब्लूम करो, और मैं देखती हूँ कि कहाँ पे क्या करना है। बाकी ये कुछ अल्फाबेट्स थे बी ए और बी वाई, ये बेबी लिखा हुआ है, तो ये मैं सोच रही हूँ यहाँ लगाऊँ या फिर यहाँ इस वाली वॉल पे लगाऊँ। तो इससे पूछती हूँ यार ये कहाँ पे लगाने चाहिए, इस वॉल पे लगाऊँ या ये अंदर बेड वाली वॉल पे। बेबी बेबी वो ये गोल्डन वाले अंदर ना, बलून का लगाऊँ? बलून तो दूर दूर लगाएंगे अपन जगह जगह। चलो तो जल्दी जल्दी से अभी इसको लगा देते हैं, क्योंकि वो आती ही होगी। मुझे आए हुए भी तकरीबन एक घंटा तो हो ही गया है, मुझे फ्रेश होने में टाइम लगा, थोड़े छोटे मोटे और काम थे जो मैंने निपटाए, उसके बाद अब मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो गाइस अभी हमने जो है अपना डिसीजन थोड़ा सा चेंज कर लिया है। अब हम वो जो बेबी का पूरा जो टैग है वो अब हम अंदर रूम में नहीं लगा रहे, बल्कि इस वॉल में लगा रहे हैं। और टाइम कम होने की वजह से आज मुझे अपने उसी जादू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाला मैजिक मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो बस जल्दी से मैजिक करते हैं। तो अभी हमारा हो गया ये भी डन, और बलून ज़रा काउंट कर लेते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बलून्स हो गए हैं अभी। चलो जल्दी से अभी इन बलून्स को भी लगा लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है सादिया जिस बेड पे आके लेटेगी वो बेड हमें खाली करवाना पड़ेगा। और ये सो गया है, ए उठो बेड खाली करो, उठो चलो सादिया आएगी, उठो 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 खाली करो खाली करो। फिर आया पूरा उ दरवाजा बजा है, फिर देखते हैं कौन है, पूछते हैं कौन कौन कौन। और यहाँ जो है वो पार्सल आया है हमारा एक। आज जो है पार्सल्स की ना लाइन लग गई है, सारे पार्सल्स आज ही आ रहे हैं, ये देख सकते हो, ये सारे पार्सल हमारे आज ही आए, ये सारे सारे पार्सल जो है आज ही आए। और बार बार गेट बज रहा है और पूछो कौन है, तो फिर पार्सल। ठीक है, तो हमने जहाँ से काम तक छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपना काम। बेड जो है वो मैंने खाली करवा लिया है मूवीज से, अब इसकी थोड़ी सी हालत को सुधारते हैं। तो बिखरी हुई चादर और रिदा जो है वो रास्ते में ही सो गई थी। तो गाइस थोड़ा बहुत जो है जैसे भी हुआ थोड़ा बहुत जो है मैंने डेकोरेट कर लिया है, बहुत थकी हुई हूँ। एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई कि मैं अपनी बलून मशीन जो है ब्लूम करने वाली वो घर पर ही भूल गई। सुबह में मैंने सब कुछ याद कर करके सब कुछ रखा था, बट वो एक मेन चीज़ वही मैं भूल गई। तो ये थोड़े बहुत बलून जो है वो मैंने बेड पर करे हैं डेकोरेट, और बाकी ये बाहर का एरिया है ये किया है डेकोरेट। ये भी जो है बलून जो है वो अफान ने फुलाए हैं, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बलून सी वाली फुला पाती, तो ये उसने फुलाए हैं। बाकी अभी वो भी हार मान के जाके लेट गया है, ये देखो वो लेटा, दोनों लेटे और एक भी जो है बलून फुलाने की हाँ नहीं कर रहा। और अब जो है अब सब हो गया, अब जस्ट वेट है सादिया के आने का। चल अंदर लेके गिरा, सुबह से आ जा रहे तुम लोग ना, मुइज ने नहीं लिया अभी तक, लो उठाना यार
सो गई सो गई। हाँ एक लम्बे में सो गई। वो जो नर्स थी ना सिर्फ जो अंदर थी सास साथ उसके भी औलाद नहीं है, तो वो कह रही थी मेरे लिए दुआ करना मेरे औलाद। उसका क्या नाम था? हलीमा, शकीला, शकीला कहती मेरे लिए दुआ करो मेरे औलाद। क्या है मेरा? ये बोलो ये दे रहा, ये रहा बोलो ये रहा। खाने के टाइम बातें नहीं करते साथी। हां रिदा को उठा। रिदा भी बोलेगी खाते में बोलते नहीं है। रोजे की बात चाहिए मुझे। क्या ये तो दिया लगा इतना अच्छा दिया। ये मैंने दिया है आपको। हां इफ्तार से फ्री होने के बाद अब जो है हम अनबॉक्स करेंगे अपने सारे पार्सल जो आज सारा दिन में आए हैं। ये सारे पार्सल आज सारा दिन में आए हैं, जल्दी जल्दी करो। तो सबसे पहला पार्सल अनबॉक्स करेंगे ये वाला, अनपैक करेंगे, अनबॉक्स करेंगे। अली एक्सप्रेस से ये ऑर्डर किया था हमने। दिखा क्या है? ये तुम्हारा वो पार्सल है। मेरा है जो मैंने मंगवाया था। मैं खोलूं? हाँ। फिर मैं अभी खोलूं, मैं खुद ही दिखा दूंगी घर जाके। चलो जी दिखा देती हूँ, फिर मैं सारा, फिर मैं अपनी अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगी उसमें दिखा दूंगी सारा। नहीं मैं उसी में दिखाऊंगी। सेकंड पार्सल ये खोल रहे हैं जो कि दराज से मंगवाया था। दराज ग्लोबल स्टोर चाइना से आया है। हाँ दराज में भी कुछ कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जो कि बाहर के होते हैं। तो ये क्या मंगवाया है? बेबी नेल ट्रिमर। नेल ट्रिमर दिखा। वाओ बेबी नेल ट्रिमर। इन सब के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग भी अगर मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो और बाकी यूज़ करके बताएंगे कि ये कैसा है। और इसके साथ है ये फीडिंग बाउल। वाओ नाइस। इसकी ज़रूरत तो अभी नहीं पड़ेगी, खैर बाद में पड़ेगी, लेकिन बहुत अच्छा है ये भी। हाँ तो इसके अलावा ये क्लिप्स केचर्स हैं छोटे छोटे के। ये मेरे हैं? नहीं ये बड़ों के हैं केचर्स। ये सब एक ही पार्सल में से निकला है। वाओ शूज, लेकिन ये भी बहुत बड़े आ गए हैं। वन ईयर शूज, वेरी नाइस। ये भी बहुत प्यारे हैं शूज। निकाल दे उसमें से। अच्छा ये क्या है? फाउंडेशन? नहीं फिर याद नहीं है मुझे, एक महीने बाद तो आए। मस्कारा, मेरा है ये। हाँ ये भी मेरा मस्कारा, ये भी मेरा था, ये भी अली एक्सप्रेस से, ये लोग ये भी हमने मंगवाया था। और ये नेक्स्ट पार्सल में देखते हैं क्या निकलता है। स्किन केयर कैप्सूल, स्किन केयर कैप्सूल्स। अब करूंगी स्किन की केयर। शॉपिंग का स्वाद बहुत खराब हो गया था ना चेहरा मेरा। अब भी नहीं, थोड़ा टाइम बाद, सवा महीने बाद। ये क्या है? ये भी तुम्हारा मंगवाया था। क्या है ये? क्लोथ्स। अच्छा हुआ तो मैं रखूंगी, नहीं तो मैं रखूंगी। ये शेड है मेरे पास। और ये एक ग्लोव्स मंगवाया है। और ये नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट बीबी क्रीम, ये भी क्लोज करके बताएंगे कि जो है ये कैसी है। सही कलर है, सही शेड आया। अब तुम जल्दी से ही इसको कैप तो लगाओ। और ये फीडिंग बाउल है, इसको ओपन करने के बाद इसका फुल लुक ऐसा है। फुल ये जो है ये रबड़ का बना हुआ है इस तरह। ये चिपक जाता है, ठीक है। हाँ अच्छा, ये यहाँ से चिपक जाएगा किसी भी चीज़ के। सही है। और इसका स्टोन, इसका स्पून जो है वो इसका वुडन है और यहाँ से जो है सिलिकॉन है। बहुत अच्छा है, जब बेबी जो है ये यूज़ करेगी उसके बाद फिर देखेंगे कैसा है। वैसे तो बहुत अच्छा है। आसिफ जेंडर तो रिवील कर दो। कौन हो भाई आप? It's a girl or boy? It's a जिने। है? जिने। ये क्या है? लड़की है। लड़की जिने? पठानी में? हाँ जिने। Wow, माशाल्लाह, congratulations.
तो अभी जो है मैं जा रही हूँ, कुछ दवाइयाँ हैं सादिया की वो लेने, और थोड़ा बहुत काम जो है वो दाऊद पर है, दाऊद से भी थोड़ा बहुत सामान लेना है सादिया के लिए और बेबी के लिए, तो वहाँ भी मैं जाऊँगी। अभी हमने लेनी थी अजवाइन, तो अजवाइन ले लिए, इसका वाटर जो है बॉईल करके वो सादिया को देंगे। बहुत थक गई सुबह से, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मुंह धो लूं, कपड़े चेंज कर लूं। खैर कपड़े तो मेरे यहाँ पे हैं भी नहीं, घर पर हैं, घर जाऊंगी तभी कपड़े चेंज करूंगी। इतना लंबा व्लॉग हो गया है, और अम्मी का हुलिया भी देख लो, लेकिन अम्मी खुश है, अम्मी तो मैं भी खुश हूँ, सब खुश है, आवाज भी बैठ गई है ना। सिर्फ इसको मोबाइल मत देना कभी, मैं दूंगा 17 प्रो मैक्स दूंगा, उस टाइम तक आ जाएगा। और जब स्कूल डाल दो तो आसिफ रोज लाता है, आसिफ आसिफ स्कूल है तो हम लगा देंगे। हेलो गाइस, और बेबी तो हेलो गाइस, बेबी तो वो शीश मांग रही है और हम इसको शीश नहीं चला रहे, छोटी है, टीथ भी नहीं है। और अब यहाँ पे जो है रिद्धा नानी की हेल्प करवा रही है, क्या कर रही हो आप? आलिया के साथ नानी है, आलिया है आलिया। बेबी को बोल दो, बेबी रो रहा है ना। और इफ्राइम कहाँ है? रो रही है, रो रही है। आलिया और इफ्राइम कहाँ है? इफ्राइम मेरा।